2018 9 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल चुका है। 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में नए व्हीकल्स के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल समेत कई गाड़ियां देखने को मिलेंगी। ऑटो एक्सपो के इस 14वें एडिशन को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार एक्सपो में 70,000 से 1,00,000 लोग प्रतिदिन आने की संभावना जताई गई है। कारों के साथ साथ यहाँ पे 2-व्हीलर 3-व्हीलर वैन्स बसेस भी देखने को मिलेंगी। हेलो गाइस, आई एम ज्योति एंड टुडे वी आर हियर एट ऑटो एक्सपो 2018। हर बार की तरह इस बार भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट के लिए यहाँ पे काफी कुछ खास है। लगभग 100 कंपनियां अपनी 300 से भी ज्यादा व्हीकल्स यहाँ प्रेजेंट करने वाली है। चाहे SUV हो, MUV, कार, सुपर बाइक, सुपर कार्स, हमें यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट इनटू ऑटो एक्सपो 2018। Actually, I have been Auto Expo for the first time, and I like about the atmosphere here, and the best car I like is the F1. You can say the F1 cars. So, and I just saw a car over there. It's like they are saying that it can float over water. So this is the best experience I ever had. So I love this experience, and I would like to come here for the next time also. मारुति सुजुकी ने न्यू जनरेशन स्विफ्ट कार की लॉन्चिंग कर दी है। इस लॉन्चिंग का सभी को बेसब्री से इंतजार था। मारुति ने पेट्रोल वेरिएंट वाले नए स्विफ्ट कार की शुरुआती कीमत 4.9 लाख रुपीस रखी है। वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत 5.9 लाख रुपए से की जाएगी। स्पोर्टी अपील के साथ साथ इसका लुक भी काफी अग्रेसिव है। न्यू जनरेशन स्विफ्ट कार की 8 वेरिएंट इंडिया में लॉन्च की जाएंगी। पुरानी गाड़ी से अगर इसको कम्पेयर करें तो लेंथ वाइज इसकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसकी विड्थ जो है, जो चौड़ाई है, वो बढ़ गई है। सो 40 mm इसकी चौड़ाई बढ़ गई है, जिससे रियर पैसेंजर स्पेस और फ्रंट पैसेंजर शोल्डर रूम बढ़ गया है। इसके अलावा जो गाड़ी की हाइट है वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी स्पोर्टी लुक गाड़ी की इंक्रीज हो गई है। इसके अलावा जो बूट स्पेस है, जहां ट्रंक का जो स्पेस है, दैट इज इंक्रीज बाय 58 लीटर्स, वो अब 58 लीटर्स बढ़ गया है। पहले ये 210 लीटर हुआ करता था, अब ये 268 लीटर्स है। इस साल टाटा मोटर्स की थीम ऑटो एक्सपो में स्मार्ट मोबिलिटी और स्मार्ट सिटीज रहेगी। इस बार के ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स ने भी अपनी नई SUV H5X से पर्दा उठाया। कंपनी ने इस गाड़ी को कुछ ही हफ्ते पहले टीज किया था। इस प्रीमियम SUV को कोड नेम के साथ पेश किया गया है। SUV के साथ कंपनी ने 45X हैचबैक कॉन्सेप्ट को भी पेश किया है। कार बाहर से देखने में काफी अट्रैक्टिव है और इसकी रियर विंडशील्ड, LED टेल लाइट और रियर डिफ्यूजर इसे शानदार लुक देते हैं। This year's Auto Expo is very exciting this time. So the main events are related to electric cars only. So we are seeing some electric vehicles from Renault and all this Honda, and all the main focus is this time is electric cars.
तो ये था ऑटो एक्सपो 2018। बात करें क्राउड की तो इस बार यूथ का क्राउड काफी शानदार रहा। नई कंपनीज की बात करें तो इस बार उनका भी काफी दबदबा रहा। हमने कॉन्सेप्ट कार्स देखी, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, रेसिंग कार और भी बहुत कुछ। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स।